Hello. So you guys can start asking questions. Please keep it to the movie only. Okay. So are you guys ready? Are you guys ready? Akshay sir, Prem se. Akshay sir, your center. Rahul here from the filmy charcha. Yeah. मेरा सवाल सबसे था, सबसे पहले तो ट्रेलर बहुत ही अच्छा है. थैंक यू. जितना मेहनत आप लोगों ने किया है उतना ही अच्छा काम दिख रहा है सर. तो बहुत अच्छी मूवी है और आप लोगों का बहुत ही अच्छा योगदान है सर. तापसी जी सॉरी मैंने आपका नाम नहीं लिया, मेरा मतलब सबका तो मतलब सबसे है. ओके. तो इससे फिल्म की तैयारी से पहले आप लोग मिशन मंगल से कितने वाकिफ थे और फिल्म कंप्लीट होने के बाद कितना कुछ नया जानने को मिला फिल्म के बारे में आपको? आप पूछो ना किसको पूछना चाहते हो. नहीं तो फिर सबसे, सबसे. नहीं आपस में लड़ पड़ेंगे हम लोग. हम आपसे शुरू करते हैं सर. हाँ आपसे पूछ ले, कोई तेरा फेवरेट है पूछ ले. नहीं नहीं आपसे सर, आपसे शुरू करते हैं सब. ओके तो सच बताएं तो इतना ज्यादा वाकिफ नहीं थे, इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी इसके बारे में. लेकिन फिल्म के द्वारा मैं खुद भी चाहता हूँ, मुझे भी पता, बहुत कुछ चीज़ें पता चली जब मैं अपने डायरेक्टर जगन से मिला. काफ़ी चीज़ें की इसने मतलब आंखें खोली, मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो हम जानते ही नहीं इसके बारे में. मतलब क्या आप लोग जानते हैं कि ये जो हमने मंगलयान का जो पूरा बनाया है कितने रुपए में बना था? कोई बता सकता है? 450 करोड़ के अंदर बना था. और नासा ने जो वैसा ही किया सैटेलाइट का, उन्होंने भी सैटेलाइट मार्स पे भेजा, करीबन मोर देन 6,000 करोड़, और हमने सिर्फ 450 करोड़ में किया. और कमाल की बात यह है, देखिए कि मेरी फिल्म 2.0 का बजट 500 करोड़ था, उससे कम में कर गई है. तो मतलब ये कमाल की एक ऐसी स्टोरी है जो मैं चाहता हूँ कि लोगों के पास जाए. इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ फॉक्स डिज्नी का कि ये आए, हमारा स्टूडियो बने और हमारे साथ इस चीज़ों पे विश्वास किया और इस फिल्म को आगे बढ़ने में हमारी मदद की. तो इसके बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी. और कोई बोलना चाहता है? किसको नॉलेज थी? या आई एग्री, आई थिंक फिल्म के दौरान ही हमें बहुत कुछ पता चला. एंड यू नो द फीलिंग दैट वी गॉट, वी वर ऑल सो प्राउड. इंडिया ने ये चीज़ कर दिखाई. इट वॉज द फर्स्ट कंट्री टू सक्सेसफुली सेंड इट इन द फर्स्ट अटैम्प्ट, द सैटेलाइट इन द फर्स्ट अटैम्प्ट टू मार्स. एंड यू नो द थिंग्स दैट वी फाउंड आउट वाइल शूटिंग द फिल्म, हमें जब पता चली तो वी जस्ट फेल्ट रियली रियली प्राउड. एंड वी ऑल, आई थिंक आई कैन स्पीक फॉर एवरी वन, वी आर जस्ट too proud to be a part of this film. And thank you Jagan sir for having all of us in this mission of yours. Thank you. Tapsee? Haan ji, kahan ho pehle to dekhi. Your center. Ha, okay, haan ji, boliye. Is pe hi bolun? Ha, is pe. Thank God. Itna bolungi, mere ko ek line yaad hai jo main jab ye actual mein hua tha, to ek line boli gayi thi ki it is actually 1/3 of the budget of the film Gravity that we have made this mission successful in India, like ISRO has done it. So that wo mere dimag mein na us din se chipki hui hai wo line. Aaj tak koi mujhse poochta hai na ki is picture ke bare mein, obviously ab to kafi logo ko pata hai, sabse zyada sabse pehli line mere muh se yahi nikalti hai ki 1/3 of the budget of a film that America made, humne usme actually orbiter bhej diya Mars tak. Sabse abhi America nahi, abhi 2.0 ki baat karo, usse kam mein, wo zyada zyada. क्यों आधे जन को कसम से, आधे जन को पता नहीं लग रहा जीतने में जो मजा उधर से है ना, वन अपमैनशिप तो वही एंजॉय करूंगी ना मैं. नहीं नहीं वो तो पता ही है, वो लोग तो बड़ी फिल्में बनाते हैं, बड़े बड़े उनके बजट होते हैं, लेकिन हम छोटी फिल्में बड़ी करते. सर आप गलत फिल्म की प्रमोशन कर रहे हो यहाँ. कौन सी फिल्म की कर रहा हूँ मैं? तापसी यही तो कर रहा हूँ मैं. नहीं सर वो निकल गई है पिक्चर सर. मैं थोड़ी त्रिभुवन दास भीमजी बन के आया हूँ सर. नहीं आप मेरी ब्रांड खराब करोगे सर. अभी मैंने साइन नहीं किया है कोई डील, अभी ब्रांड मत खराब करो. अक्षय सर आपका एक पर्सनल थॉट जानना चाहता हूँ सर कि अचीवमेंट से बड़ा पैसा होता है या पैसा से बड़ा अचीवमेंट? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि डिंकल मैम ने किया था जिसमें आप खुश नहीं है फोर्ब्स मैगजीन में नाम आने से, आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, उनका कहना था. तो अचीवमेंट से बड़ा पैसा होता है? दोनों साथ में मिल जाए तो मुझे बड़ी ज्यादा खुशी होती है.
वैसे तो ये बात तो तेरे तेरे दिल की भी होगी जहाँ भी है तू, कहाँ भाई? हाँ वही है. अच्छा ये हाँ, तो मुझे दोनों में खुशी मिलती है. मेरा सवाल पहली बार कब गूज़बम्प्स आए? मैंने जब कहानी सुनी थी, मुझे जब फैक्ट्स के बारे में पता चला, फिगर्स के बारे में पता चला, जब जगन ने बताया, और उस वक्त मेरे को समझ में आया कि हमारे देश ने क्या किया है, क्या कर दिखाया है, यहाँ के साइंटिस्टों ने क्या कर दिखाया है. एक्चुअली आई थिंक जगन सर एक पूरे प्रेजेंटेशन के साथ ही आए थे कि ये हुआ था, दीज आर द फैक्ट्स एंड ये कैरेक्टर्स आप प्ले करने वाले हो. ही शोड अस पिक्चर्स, ही शोड अस यू नो दीज डॉक्यूमेंट्रीज. आई कैन टेल देम ना. अमित बाय द वे, अमित जगन सर, यू गाइस आई डोंट नो हाउ मच यू नो, बट हिज सिस्टर इज आल्सो अ साइंटिस्ट, शी इज इन इसरो. अक्षय नमस्कार. रेखा खान नवभारत टाइम से. मैं आप सब लोग जितने भी मंच पे लोग हैं सारे मेरे फेवरेट हैं. मैं सबको नमस्ते और बहुत सारी बधाई देना चाहूंगी. और यहाँ मैं यहाँ पे हूँ. हाय नमस्ते रेखा जी, क्या हाल है? बस एकदम बढ़िया हूँ मैं. मुझे बहुत 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 ज्यादा ट्रेलर पसंद आया और मुझे सबसे ज्यादा जो खुशनुमा बात लग रही है कि इसमें एक महिला सशक्तिकरण का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक एग्जाम्पल और एक मतलब झलकी हमें ट्रेलर में देखने मिली. तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये एक सच्ची घटना पर आधारित है और आम तौर पे जब साइंस की बात होती है या इस तरह से किसी बुद्धि की बात होती है, दिमाग की, तो थोड़ा सा औरतों को उतना महत्व नहीं दिया जाता. तो ये सारी कैरेक्टर उस सच्ची घटना के कहानी के पार्ट थे या उसमें थोड़ा सा उनको और ज़्यादा बढ़ाया गया या थोड़ा वो मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि फिल्म एक महिला सशक्तिकरण को भी एक मतलब एक उसका भी एक रिप्रेजेंटेशन कर रही है. जी जगन, वुड यू लाइक टू आंसर दैट? जी सारी महिलाएं जवाब देंगी. पूछ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक से बढ़कर एक हैं यहाँ पर. नित्या, वुड यू लाइक टू नित्या, वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट? I think the real project, the mom project in ISRO, had equally these number of women working, or more maybe. So I don't think it was exaggerated for the film. I think there are. My aunt actually works in ISRO as well. She's a scientist, just like Jagan's. We're from Bangalore, so we know that there are a lot of women scientists who work in ISRO, and they were part of the project. एक बहुत पॉपुलर फोटो भी था जो हमको पहले दिखाया था जिसमें विमेन साइंटिस्ट वर सेलिब्रेटिंग आफ्टर द सैटेलाइट वॉज लॉन्च्ड. सो इट वॉज वी हैव एक्चुअली बेस्ड द फिल्म एग्जैक्टली ऑन वॉट हैपन्स इन इसरो. यू नो एग्जैक्टली मंगलयान के लॉन्च के बाद जो फोटो निकली थी पेपरों में वो मुझे बिल्कुल बहुत अच्छी तरह याद है. सो व्हेन जगन केम टू मी एंड ही शोड मी द इमेज, आई रिमेम्बर कि जब मैंने पहली बार देखा आई सॉ रेगुलर वुमेन. यू नो वुमेन यूड थिंक आर जस्ट यू नो हाउसवाइव्स, होम मेकर्स, वट एवर, एंड दे हैड सेंट दिस ऑर्बिटर टू मार्स विच इज़ अमेजिंग. तो वही इमेज आई थिंक it told you that it had a great contribution from women, and this film also shows the contribution of women as much as it shows the contribution of the men. Sunakshi ji, aap aur Tapsee ji, aap aur aap sab jo bhi hain ji stage pe, please thoda thoda bataye. Pretty much inhone sab keh diya hai. Aap bhi agar aap google karke wo photo dekh lenge to aapko ye bahut hi खुश और प्राउड महिलाओं की तस्वीर दिखाई देगी. एंड यू नो देवर द बैकबोन ऑफ दिस मिशन एंड दिस प्रोजेक्ट. एंड लाइक आई सेड, वी आर ऑल वेरी प्राउड टू बी रिप्रेजेंटिंग दोज अमेजिंग हीरोज ऑफ आर कंट्री. आई थिंक वो पिक्चर हमने रिक्रिएट करने की कोशिश भी करी थी की है. एंड आई थिंक इट्स लवली. या आई डोंट नो हाउ मच आर वी सक्सेसफुल इन डूइंग दैट, पर कोशिश करी थी हमने सेम पिक्चर रिक्रिएट करने की. ज्यादा नहीं एक्चुअली, ऑनेस्टली थोड़ा हो सकता है कम दिखाया हो, क्योंकि 2 घंटे 2.5 घंटे की पिक्चर होती है और इनकी जो अचीवमेंट्स है जिन्होंने किया है, शायद हम वो 2.5 घंटे में सब कुछ दिखाना और वो सारी औरतों को एक तरीके से फेलिसिटेट करना इस फिल्म के जरिए शायद पॉसिबल नहीं होगा. तो आई थिंक
ज्यादा नहीं, इनफैक्ट हमने शायद थोड़ी चीजें काटनी ही पड़ी होंगी फिट करने के लिए 2.5 घंटे में पिक्चर को. सो आई थिंक दे मच मच और मोर केपेबल देन व्हाटएवर वी हैव शोड देम इन द फिल्म. सो या इट इज एक्चुअली महिला सशक्तिकरण एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेक अवे टॉपिक होगा ये पिक्चर देखने के बाद जो भी लोग निकलेंगे थिएटर से. और ये जो आपकी आपने जो कहा था कि यूजली जब औरतों की बात होती है तो उनको बुद्धि के मामले में उनको थोड़ा सा कम समझा जाता है, ये बिल्कुल बात आई थिंक इस फिल्म के थ्रू गलत प्रूव हो जाएगी. एंड इसके अलावा हालांकि जो एक्चुअल मिशन था उसमें औरतें इतनी ही औरतें उसमें इन्वॉल्व थी, बट आई थिंक द कैरेक्टर्स एंड देयर स्टोरीज आर फिक्शनलाइज्ड. दे आर ऑलमोस्ट काइंड ऑफ फिक्शनलाइज्ड. सो ये कहानियाँ और ये नाम जो किरदारों के नाम हैं वो असली नाम नहीं हैं और हमारे सारे ट्रैक्स भी फिक्शनलाइज्ड हैं. करेक्ट. विजय जी मेरा सवाल आपसे. जी आप कहाँ हैं? नहीं नहीं विजय जी से. विजय जी सॉरी विजय जी